हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू हेल्दी संसार आज के वीडियो में कंप्लीट प्रोटीन के विषय में समझते हैं कंप्लीट प्रोटीन वो होता है जिसमें सभी नॉ एसेंशियल एमिनो एसिड मौजूद होते हैं अनाज जैसे गेहूँ चावल मक्का ज्वार बाजरा इन सभी में एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं पर लाइसिन तथा मिथियोनिन एमिनो एसिड की मात्रा इनमें कम होती है सभी एसेंशियल एमिनो एसिड की एक निश्चित मात्रा होती है जो हमें डेली लेनी चाहिए सभी एमिनो एसिड्स के अपने काम होते हैं एसेंशियल एमिनो एसिड की डेली डोज और फॉक्सटेल मिलेट व्हीट और राइस में उनकी कितनी मात्रा उपलब्ध है देखते हैं पहला एसेंशियल एमिनो एसिड है आइसोल्यूसिन यह ब्रांसड चेन एमिनो एसिड है 70 के जिनका वेट हो उन्हें फोर्टीन हंड्रेड एम तथा जिनका वेट फिफ्टी के हो उन्हें थाउजेंड एम जी आइसोल्यूसिन डेली लेनी चाहिए सौ ग्राम फॉक्सटेल मिलेट से नौ सौ चौंतीस एम जी आइसोल्यूसिन मिलता है सौ ग्राम वीट से तीन सौ नब्बे एम जी तथा सौ ग्राम राइस से दो सौ पचास एम जी आइसोल्यूसिन एमिनो एसिड मिलता है दूसरा एसेंशियल एमिनो एसिड है ल्यूसिन यह भी ब्रांसड चेन एमिनो एसिड है सेवेंटी के जिनका वेट है उन्हें सत्ताईस सौ तीस एम ल्यूसिन तथा जिनका वेट फिफ्टी के हो उन्हें नाइनटीन फिफ्टी एम ल्यूसिन डेली लेनी चाहिए अर्थात टेन के पर तीन सौ नब्बे एम ल्यूसिन की आवश्यकता होती है सौ ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में ल्यूसिन दो हज़ार एम सौ ग्राम व्हीट में सात सौ सैंतीस एम तथा सौ ग्राम राइस में पाँच सौ सन्तावन एम जी ल्यूसिन मौजूद है तीसरा ब्रांच चेन एमिनो एसिड है वैलिन यह तीनों ब्रांच चेन एमिनो एसिड ही हमारी मांसपेशी को मजबूत और गठीला बनाकर रखते हैं वैलिन की डेली डोज सेवेंटी के जी के व्यक्ति के लिए एटीन ट्वेंटी एम जी है अर्थात टेन के जी वेट पर टू हंड्रेड सिक्सटी एम जी वैलिन की आवश्यकता होती है जिनका वेट फिफ्टी के जी हो उन्हें थर्टीन हंड्रेड एम वेलिन चाहिए 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में वेलिन की मात्रा है 848 सौ अड़तालीस ग्राम व्हीट में 520 सौ तथा 100 ग्राम राइस में 374 हंड्रेड चौथा एसेंशियल एमिनो एसिड है मिथ्योन प्रतिदिन 70 के के व्यक्ति को 980 mg एट्टी मिलीग्राम मिथ्योन प्लस सिस्टीन की आवश्यकता होती है टेन के जी वेट पर एक सौ चालीस एम जी मिथियोनिन सौ ग्राम फॉक्सटेल मिलेट से तीन सौ चवालीस एम जी मिलता है सौ ग्राम व्हीट से एक सौ सत्तर एम जी तथा सौ ग्राम राइस से एक सौ छप्पन एम जी मिलता है पाँचवा एसेंशियल एमिनो एसिड है फिनाइल एलानिन इसका डेली डोज पच्चीस एम जी पर के जी है अर्थात सेवेंटी के के व्यक्ति को सत्रह सौ पचास एम जी फिनाइल एनलिन की आवश्यकता होती है सौ ग्राम फॉक्सटेल मिलेट से आठ सौ चौबीस एम जी सौ ग्राम व्हीट से पाँच सौ बीस एम जी तथा सौ ग्राम राइस से तीन सौ तिरपन एम जी फिनाइल एनोलिन मिलता है छठा एसेंशियल एमिनो एसिड है थ्रियोनिन जिसका डेली डोज है फिफ्टीन एम पर के जी अर्थात जिसका वेट 70 के हो उन्हें 1050 थाउजेंड थ्रियोनिन डेली लेनी चाहिए 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में 335 सौ थ्रियोनिन मौजूद है 100 ग्राम व्हीट में 330 सौ तथा 100 ग्राम राइस में 278 सौ थ्रियोनिन मौजूद है सातवां एसेंशियल एमिनो एसिड है ट्रिप्टोफैन इसका डेली डोज है 4 एम पर के जी जिनका वेट 70 के हो उन्हें 280 हंड्रेड ट्रिप्टोफेन की डेली आवश्यकता होती है 100 ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में 123 हंड्रेड 100 ग्राम व्हीट में 170 हंड्रेड तथा 100 ग्राम राइस में 90 आ, 95 फाइव ट्रिप्टोफेन आ, मौजूद है आठवां एसेंशियल एमिनो एसिड है हिस्टेड इसका डेली डोज है 10 एम पर के अर्थात सेवेंटी के के व्यक्ति को सेवन हंड्रेड एम चाहिए सौ ग्राम फॉक्सटेल मिलेट में टू हंड्रेड फिफ्टी एम जी हिस्टेडिन मौजूद है 100 ग्राम वीट में 270 हंड्रेड एम जी तथा 100 ग्राम राइस में 163 हंड्रेड सिक्सटी थ्री मौजूद है नाइन्थ एसेंशियल एमिनो एसिड है लाइसिन हमारे अनाज में इस एसेंशियल एमिनो एसिड की मात्रा काफ़ी कम है इसका डेली डोज है थ्री थर्टी एम पर केजी, अर्थात सेवेंटी के के व्यक्ति को ट्वेंटी वन हंड्रेड एम जी लाइसिन डेली चाहिए सौ ग्राम फॉक्सटेल मिलेट से दो सौ सत्तर एम जी हिस्टिन लाइसिन मिलता है सौ ग्राम वीट से थ्री हंड्रेड ट्वेंटी एम जी तथा सौ ग्राम राइस से टू हंड्रेड फिफ्टी एट एम जी लाइसिन मिलता है मिथ्योन ट्रिप्टोफेन और लाइसिन एमिनो एसिड की मात्रा अनाज में काफ़ी कम है इनकी पूर्ति के लिए अनाज के साथ दाल काला चना काबुली चना राजमा सोयाबीन लोबिया इत्यादि खाना चाहिए इन दालों में लाइसिन एमिनो एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है ओट भी कंप्लीट प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है इसमें इसके जो एमिनो एसिड्स हैं एक कंप्लीट प्रोटीन बनाते हैं फॉक्सटेल मिलेट पॉजिटिव मिलेट है और यह एसेंशियल एमिनो एसिड से भरपूर है इसके अलावा चार और पॉजिटिव मिलेट होते हैं सभी पॉजिटिव मिलेट एसेंशियल एमिनो एसिड रिच होते हैं गेहूं और चावल के साथ पॉजिटिव मिलेट को डाइट में शामिल किया जाए तो व्यक्ति रोगमुक्त रहने लगेंगे सी माई वीडियोज़ ऑन पॉजिटिव मिलेट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन थैंक्स फॉर वॉचिंग